Hey everyone, how are you? Welcome back to the Sustainability Bits. And today in this video, we are starting with the same topic, Ride the Pickup, that is written by Anita Desai. In the previous videos, we have covered up to part two, like we have already started part two, and in part two, we were doing chapter two. So up to page number 42, we have already covered, and in this video, we are going to cover up to page number 47, means 43 to 47. So let's get started. I spun around, clutching the baby. I spun around. Spun around is about, I here is about Maya. I spun around. मैं इधर उधर घूम रही थी. If you remember the scene, the last video, जहां पर माया अपनी फैमिली के साथ, यानी जो इन-लॉज फैमिली है उनके साथ, उनका वो डिनर और ब्रेकफास्ट वाला सीन चल रहा था. सॉरी, ब्रेकफास्ट वाला. और उसके हाथ में एक बेबी था, तो मैं घूम रही थी, क्लचिंग द बेबी, उस बेबी को अपने हाथ में लिए हुए. टू स्टेयर एट माई रिलेशन, मेरे रिलेशंस को मैं ढूंढ रही थी, देख रही थी. हुज हैंड्स आई टस्ट, सॉरी, हुज नेम्स आई न्यू, जिन लोगों के नाम मैं जानती थी. हुज मूड्स आई सेंस, जिनके मूड, यानी उनका उनका मूड कैसा है वो मैं समझ सकती थी. हुज हैंड्स आई टस्ट, जिनके हाथों को मैंने टच किया हुआ था. एंड फाउंड, क्या मिला मुझे. देर वॉज नॉट वन अमंग्स देम, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था. किन में से, उसका हस्बैंड गौतम, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, उनमें से ऐसा कोई भी नहीं था. अमंग्स देम टू हुम आई कुड क्राई, जिनके पास जाके मैं रो सकती, या फिर एक्साइटेड हूँ, खुश हो तो जाके चिल्ला सकती और कहती, देखो देखो, देयर इज अ मून इन द स्काई. उनको बता सकती थी कि स्काई में एक मून है. तो देर इज अ मून इन द स्काई, इन द सेंसेस इट्स अ टाइम ऑफ डिनर. ओके, मतलब इवनिंग का टाइम था, या डिनर या टी टाइम था बेसिकली. आई विल नेवर गो देयर अगेन, मैं वहां दोबारा कभी नहीं जाऊंगी. कहाँ पे, जहाँ वो सब लोग बैठे थे. आई सॉ फ्लशिंग अगेन एट द मेमरी, मैंने उस पूरी मेमरी को जो जो मैं वहां पे स्पेंड करके आई हूँ, जो टाइम, वो सारा का सारी चीजें मेरी दिमाग में अभी घूम रही हैं, या वो वापस से मेरी यादों में आ गई है. ये सोचते हुए मैंने सोच लिया कि अब मैं वहां कहीं नहीं, कभी नहीं जाऊंगी. आई विल नेवर गो देयर अगेन, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी. आई लिसन टू द टैप रनिंग, मैंने क्या सुना, टैप यानी कि जो बाथरूम है उसमें से पानी बहने की आवाज आ रही थी. टू गौतमा गार्गलिंग, गौतमा जो है वो गार्गलिंग कर रहा था. एंड सडनली द पाम्स ऑफ माई हैंड्स ग्रू मॉइस्ट, और अचानक से मेरे हाथों की जो हथेलियां हैं वो क्या हो गई, मॉइस्ट हो गई, यानी उसमें पसीने आने लगे. एज इट स्ट्रक मी दैट देयर माइट नॉट बी टाइम टू गो देयर अगेन, क्यों, क्योंकि इससे इस ये जो हाथों में मेरे पसीना आया, या फिर मुझे घबराहट हो रही है, जो भी है, वो उस लास्ट डिनर के बारे में सोच के ऐसा सोच रही है कि उसने मुझे रोक लिया. किस चीज ने, जो मेरे हाथों में पसीने थे, या मेरे माइंड में थॉट थे कि अब मैं दोबारा वहां कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, वहां का सीन याद करके, मी दैट देयर माइट नॉट बी टाइम टू गो देयर अगेन, दोबारा जाने का अब कोई टाइम वहां पे नहीं है. इवन इफ आई वॉन्टेड टू, यदि मुझे वहां जाना भी होगा, एंड आई डिड डेस्परेटली, यदि मैं जाना चाहूं भी तो भी मैं वहां नहीं जाऊंगी. ओके, तो वो बताती है अभी इस सीन में, इस क्लिप में आप देखोगे कि माया बिल्कुल भी नहीं चाहती वहां जाना, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा. रीजन बीइंग, वो सब लोग पॉलिटिक्स की बातें कर रहे थे, वो सब लोग उससे अलग बातें कर रहे थे, और उसकी उस फैमिली में उतनी वैल्यू भी नहीं थी. तो उसको लगता था कि यहाँ पे मेरा कोई सेंस नहीं, क्योंकि माया वॉज नेचर लवर, वो बहुत ज्यादा अलग तरह की एक लड़की थी. आई वॉन्टेड टू रेस अप दोज फिल्टी स्टेयर्स टू दैट डिसमल फ्लैट, मैं उन फिल्थी स्टेयर्स को, फिल्थी स्टेयर्स इन द सेंसेस जो बेकार सी सीढ़ियां थी, उनको मैं जल्दी से चढ़ना चाहती थी. सॉरी, मैं उन फिल्थी स्टेयर्स को जल्दी से चढ़ के ऊपर जाना चाहती थी. टू दैट डिसमल फ्लैट एंड प्लेस अ कश्मीरी लैम्प, है ना, तो मैं वहां पे चढ़ना चाहती थी, और वहां सीढ़ियों के ऊपर जाके एक कश्मीरी लैम्प रखना चाहती थी. कैसा कश्मीरी लैम्प, लैम्प शेड पेंटेड विथ आयरिसिस एंड किंगफिशर्स, जो कि आयरिसिस और किंगफिशर्स से पेंट किया हुआ था, ओवर द नेकेड बल्ब, बल्ब के ऊपर. तो इस तरह का वो लैम्प था. उससे क्या होता था,
कि वो दिखाया जा रहा है कि इट वॉज अ कश्मीरी लैम्प शेड एंड किस द मदर्स हैंड में जाती थी, ऐसा करना एंड ईट सेपरेट फेलाउज नकल। मैं मेरी जो मदर इन लॉ है, मतलब मैं जाना चाहती थी वहां पे, वो लैम्प रखना चाहती थी और जो मेरी मदर इन लॉ है उनके हाथों को किस करना चाहती थी। एवरी नकल है ना, एवरी नकल क्या, जो हाथ के ऊपर पोर होते हैं उनको, एक एक को मैं चूमना चाहती थी। एंड होल्ड द बेबी इन द क्रैडल ऑफ माई आर्म, और उस बेबी को मैं अपनी आर्म की क्रैडल में, यानी मेरे जो बाहें हैं उनमें मैं लेना चाहती थी। रिजॉइसिंग इन इट्स वेट, उसका जो भी वेट था बच्चे का उसको मैं रिजॉइस करती है, मैं उसको खुश होती हूँ उसको लेके। एंड लिसन टू द मेनी वॉइसेस, और सबको मैं आराम से सुनती, मतलब वो एक अलग नेचर की थी, वो चाहती थी कि ऐसा हो। देयर गे इन्फ्लेक्शंस, उनके गे इन्फ्लेक्शंस यानी कि ब्लैंक उनका जो नजरिया था, या फिर उनका ना सॉरी ग्रेन गे इन्फ्लेक्शंस इन द सेंसेस, उनकी जो वॉइस थी दैट वाज वेरी हार्श, बहुत तीखी थी, क्योंकि वो इधर उधर की बातें कर रहे थे तो वो उसके इंटरेस्ट की नहीं थी, ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट की नहीं है तो वो उसके लिए तीखी थी। दे आर वेरी टोन्स, उनकी अलग अलग तरह की टोन, ओके वेरी टोन्स, दे आर लाउड क्विक रैस्पिंग, उनकी जो लाउड बहुत तेज तेज बोलने की, क्विक जल्दी जल्दी बोलने की जो रैस्पिंग यानी हार्श साउंड थी ओवर माई ईयर ड्रम, मतलब मुझे हार्श लग रहा था वो, मुझे बहुत तीखा लग रहा था मेरी ईयर ड्रम्स को, मेरे कानों को, क्योंकि उसको वो अच्छा नहीं लग रहा। ऑल दो सीडिंग ह्यूमन साउंड, वो सारी की सारी सीडिंग ह्यूमन साउंड, सीडिंग ह्यूमन साउंड मतलब थ्रिलिंग, खतरनाक वाली, इसके लिए वो साउंड अच्छी नहीं थी, यानी शी वॉज नॉट लाइकिंग इट एट ऑल, जिस तरह से वो लोग बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे माया कहती है कि मेरा तो मन था कि मैं जाऊँ वहाँ पे, एक लैम्प रखूँ और मेरी मदर इन लॉ के हाथ चूमूँ और सारी चीजें बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं जब वहाँ गई तो उन लोगों की आवाजें, उन लोगों का बात करना एंड ऑल, इट वॉज एक्चुअली नॉट गुड फॉर मी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नाउ व्हेन आई सर्च्ड ओपन आर्म टूवर्ड्स देम, लेकिन तब जब मैं उनकी तरफ गई है ना, ओपन आर्म उनकी तरफ, खुले खुली बाहों से या उन सबसे मिलने के लिए, ऑल रिसीडेड टू सम डिस्टेंट बैकग्राउंड, सारी की सारी जो आवाजें थी वो एक बैकग्राउंड में क्या हो गई, मतलब पीछे से आ रही थी। एंड वर मेयरली ए पार्ट ऑफ दैट मल्टीट्यूड फॉर विच आई आइडेंटली एंड फ्यूटाइली लॉन्ग, और वो मुश्किल से एक पार्ट होगा उस भीड़ का है ना, उस भीड़ का जिससे मैं बिलोंग करती हूँ है ना। अर्डेंटली मतलब सच में, या एंथुजियास्टिकली, या कह सकती हूँ कि मैं उस चीज से बिलोंग कर सकती हूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी डिफरेंट। टू हुम आई वॉज अबाउट टू से गुड बाय, फॉर आई माइट नेवर सी देम अगेन, मैं उन सबको गुड बाय कहना चाहती थी कि मैं इनको दोबारा ना देखूँ, बिकॉज आई वॉज नॉट लाइकिंग इट एट ऑल। देन इन द शेडोज दैट स्पेंड द सीलिंग अबव माई बेड, अभी ये सोते सोते सोच रही है ना, मॉर्निंग की बात है। इन द शेडोज, मेरी जो मेरा जो बेड है, मेरे बेड के ऊपर की जो सीलिंग है यानी छत है, वहाँ पे जो छाया बन रही है ना, शेडोज बन रही है। आई सॉ द शेडो ऑफ द डांसर, मैंने क्या देखा, डांसर का शेडो देखा, ओके एंड आई स्प्रिंग टू लाइफ, जैसे कि एक जीवंत हो है ना। एंड आई न्यू देर वॉज नो टाइम लेफ्ट, नो टाइम लेफ्ट एट ऑल, और मुझे पता था कि अभी वहाँ पे कोई टाइम नहीं बचा है ना। तो वो कहती है कि मैंने सोते हुए जब वो लेटी हुई थी पलंग पे, तब उसने वहाँ पे एक शेडो देखा, और उस शेडो को देख के वो बोलती है, अब शेडो किस चीज़ का हो सकता है, कि वो शायद फैन का हो सकता है या किसी भी चीज़ का शेडो जो उसके माइंड में पिक्चराइज हो रहा था, वो उस शेडो को बताती कि ऐसा लग रहा था कि वो एक डांसर का शेडो हो जो कि स्प्रिंग टू लाइफ यानी लाइफ के लिए, मतलब उस जीवन बना देती है हर चीज को।
एज ऑलवेज हैपन टू मी, जैसा कि मेरे साथ हमेशा होता है, इट वॉज आफ्टर माई मोस्ट एंग्विश मोमेंट्स. ये मेरे सबसे ज्यादा दुखदाई पल के बाद की बात है. दैट अ पीस ऑफ ट्रुथ फेल इन टू माई एग्जॉस्टेड माइंड. क्या कि एक सच का एक टुकड़ा मेरे दिमाग में आ गया, है ना? मतलब एक सच का एक टुकड़ा मेरे दिमाग में आ गया. क्या द ट्रुथ? कौन सा ट्रुथ? क्या सच? दैट इट वॉज नॉट फॉर दैम, कि ये उन लोगों के लिए नहीं था. दैट आई लॉन्ग विद फियर्स फियर्सेस्ट डिजायर, कि मैं उनकी डिजायर हूँ, यानी कि वो मुझे पसंद करते हो. फियर्स मतलब तीव्र डिजायर, है ना? तो मैं उनकी डिजायर हूँ, इन द सेंसेस कि मैं उन लोगों को मैं पसंद हूँ या उनको मैं अच्छी लगती हूँ. नॉट इवन फॉर गौतमा, इवन गौतमा को भी नहीं, बट फॉर माई जेंटल फादर, मेरे जेंटल फादर. वो अपने फादर को याद करते बोलती है कि पर मेरे फादर के लिए तो हु वुड हैव सेड टू मी, जिसने मुझे कहा होगा यदि मैं इस सिचुएशन में हूँ, विद दैट अश्योर्ड एंड रीअश्योरिंग काम, मुझे शांत शांत कर देने वाली टोन में मेरे फादर मुझे कहते, इट विल ऑल बी वेल. क्या बोलते वो मुझे चुप करने के लिए, कि डोंट वरी बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इट विल ऑल बी वेल सून माया, है ना? लेकिन ये लोग मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहते. मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं इन लोगों से बिलोंग ही नहीं करती हूँ, या इन लोगों को मेरी कोई कद्र नहीं है. ही हैड ऑफन हैड टू होल्ड मी इन हिज आर्म्स. मेरे जो फादर है, वो मुझे बहुत कई बार मुझे अपनी आर्म्स में होल्ड करते. और वेन आई वॉज स्मॉलर, जब मैं बहुत छोटी थी, वॉश द टीयर्स फ्रॉम माई फेस, मेरे आंसू पहुंचते, एंड रिपीट दोज मैस्मराइजिंग वर्ड्स, और फिर वापस से उन्हीं मैस्मराइजिंग वर्ड्स को रिपीट करते कि बेटा सब ठीक हो जाएगा. इन इज डीप नोट्स, मतलब डीप नोट्स का सेंसेस कि वो उस चीज की वैल्यू करते हुए मुझे बताते कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. तो अभी वो कह रही है कि वो अब कंपेरिजन कर रही है अपने फादर से, कि माई फादर इज वेरी डिफरेंट. एज आई ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, द चार्म वॉज एक्सपेंडेड, तो जो चार्म था वो बढ़ता गया. न्यू फ्रेजेस वर इनवेलप्ड टू गिव मी मोर रूम फॉर थॉट. नई बात से पहले और सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके अलावा और चीजें भी मुझे कंसोल करने के लिए, समझाने के लिए मेरे फादर मुझे बोला करते थे, पर यहाँ किसी को कोई फर्क ही नहीं करता. इट इज बेस्ट टू एक्सेप्ट माया, वो मुझे क्या कहते हैं, फ्रेजेस में क्या चेंजेस आते हैं, वो कहते कि माया, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम इस चीज को एक्सेप्ट करो. व्हाट गुड डज इट टू डू क्राई, अब इसमें रोने वाली क्या बात है, या रोने से क्या फायदा होगा. व्हाई मस्ट यू गेट सो अपसेट, तुम्हें अपसेट नहीं होना चाहिए. श्योरली इट इज ऑल फॉर द बेस्ट, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ होगा. इट कैन नॉट बी अंडन नाउ, अब इस चीज को हम वापस सुधार तो सकते नहीं है. एंड मतलब जो हो गया है वो हो गया है, एंड इट मस्ट बी एक्सेप्टेड एज इट इज, और उसको तुम भी ऐसे की ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो. यू विल फाइंड दैट टू बी द वाइजेस्ट कोर्स, तुम्हें ये लगेगा कि ये चीज तुम्हारे भले के लिए ही हुई है. तो कहने का मतलब ये है कि वो कहती है कि मेरे फादर, जब मैं छोटी थी तो सीधा कहते थे कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो धीरे धीरे उन्होंने इन चीजों को मुझे कंसोल करने के लिए, जो पहले एक लाइन में बोल के और मुझे ठीक कर देते थे, अब वो मुझे थोड़ी देर और समझाते हैं, और वो कहते हैं जो होना था हमारे हाथ में नहीं था, हुआ सो हुआ, लेट इट गो, और जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ. एज आई हैड बीन अ वेवर्ड एंड हाई स्ट्रंग चाइल्ड, मैं क्या थी, वेवर्ड यानी कि मनमौज, बचपन में जब मेरे फादर के साथ थी, एंड हाई स्ट्रंग चाइल्ड, हाई स्ट्रंग मतलब जिद्दी, है ना? आई हर्ड दीज फ्रेजेस फ्रिक्वेंटली, क्योंकि मैं हर थोड़े दिन में ये फ्रेजेस जो हैं मेरे फादर के, वो मैं सुनती रहती थी. एंड ईच टाइम आई फेल्ट देम सूद मी लाइक अ स्ट्रीम ऑफ कोल्ड वाटर, और हर बार मुझे क्या लगता था कि जैसे मेरे मेरे फादर जो हैं मुझे समझा तो रहे, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रीम ऑफ कोल्ड वाटर, है ना? तो दैट टम्बल थ्रू द फॉन्स ऑफ दार्जिलिंग, वो ठंडी हवाएं जो दार्जिलिंग से मेरी तरफ बह रही है वैसी लगती थी. मतलब इट्स जस्ट काइंड ऑफ कंपेरिजन, कि वो ऐसे लगता था कि वो मुझे काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे. लाइक द कोल्ड पर्ल मिस्ट दैट क्रैप्ट ओवर द ब्लू हिल्स एंड पोर इन टू द वैली, किस तरह से, जैसे कि पर्ल मिस्ट होता है, यानी कि व्हाइट व्हाइट जो सुबह का फॉग होता है, वैसा बादलों में वैलीज में
जो कि पूरी की पूरी वैलीज को कवर किए हुए होता है। उस तरह से मुझे ऐसे लगता था कि मेरे फादर मेरे ऊपर ठंडे पानी की बौछारें गिरा रहे हैं जिससे कि मैं काम हो जाऊं, है ना, क्योंकि उसको जल्दी ही गुस्सा आ जाता था या फिर वो परेशान हो जाती थी। तो वो शी इज सेइंग कि मेरे फादर जो है ना वो मुझे ठीक कर देते थे, काम कर देते, राइट नाउ तो यहाँ पे वो अपने पापा को मिस कर रही है। आई रेज माई आर्म्स ओवर माई हेड, मैंने अपनी बाहों को ऊपर उठाया, वेटिंग फॉर द मेमोरी ऑफ दोज वर्ड्स, है ना। ऐसा तो ना अपन कभी कुछ याद करते हैं तो सिर के पीछे हाथ रखते हैं वैसे, और वो क्या कर रही थी, उन वर्ड्स के थ्रू अपनी मेमोरीज को याद कर रही थी, उस आवाज को जो उसके फादर की थी, टू ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड लल, है ना, वो जो मैं चाहती थी लल, इन द सेंस जो मुझे काम कर दे उसको मैं याद कर रही थी, बट इट नॉट कम एंड आई क्राइड, लेकिन वो चीज नहीं आई थी। उस समय सोच रही थी कि वो चीज मैं खुद ही समझ जाऊं जो मेरे पापा कहते थे, लेकिन वो चीज मेरे दिमाग में नहीं आई। और मैंने जोर से बोली, आई शुड लाइक सो मच टू सेम, मुझे उनसे मिलना चाहिए। ओ आई शुड लाइक टू सी फादर अगेन, मुझे मेरे पापा से मिलना चाहिए, इट हैज बीन सो लॉन्ग, बहुत दिन हो गए। अब गौतमा बाथरूम में से बाहर आ जाता है, वाइपिंग हिज हैंड्स ऑन अ टॉवल, एक टॉवल पे अपने हाथ पोंछते हुए पूछता है, व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने, ही सेड एंड फ्लंग इट ओवर हिज हेड, उसने जो टॉवल था उसको अपने बालों को पोंछने के लिए फैलाया, एंड बिगिन टू रब हिज हेयर फ्रेंचिकली, यानी बड़ी बुरी तरह से जोर जोर से अपने बालों को रगड़ने लगा, जब बाल सुखाने लगा, पनिशिंग हिज ईयर्स एज वेल, और फिर होता है ना बाद में कान पहुंचते हैं मोस्टली बॉयज, तो वैसे वो करने लगा। नाउ क्योंकि वो पूछ रहा था उससे कि क्या हुआ क्या हुआ, तो विंस एट हिज वॉयलेंस एंड माई फादर्स हेयर ग्लीम सॉफ्ट एंड वाइट एज अ बर्ड स्विंग इन मिस्ट एंड शेडो, तो उसकी जो आवाज थी जिससे कि आप चौंक जाओ, है ना, वॉयलेंस इन द सेंस जिससे आवाज क्या वो बालों से ऐसे जोर जोर से कर रहा था, तो इट वाज लाइक समथिंग वॉयलेंट, मतलब वो अपने खुद की बॉडी के साथ ही बहुत हार्ड था, तो उससे वो चौंक गई, एंड माई फादर्स हेयर ग्लीम सॉफ्ट एंड वाइट, और अभी फिर कंपेरिजन करती है कि मेरे फादर के हेयर जो है वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट चमकते थे और वाइट थे, कैसे, जैसे कि बर्ड की विंग होती है इन मिस्ट एंड शेडो, उस तरह से, रादर श्रिली आई रिपीटेड, तो थोड़ा तीखी आवाज में मैंने कहा, आई सेड आई विश आई कुड सी फादर, मैंने कहा मुझे मेरे पापा से मिलना चाहिए, इट ऑलवेज हेल्प, वो मेरी हमेशा हेल्प करते, हेल्प्स वॉट हूँ, है ना, तो वो वही बाल सुखाते, किसकी हेल्प किस बारे में, ही आस्क पजल, वो सोचा कि क्या हुआ क्योंकि उसको पता ही नहीं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, एंड फ्लंग द टॉवल टू द फ्लोर, और उसने फर्श पे उस टॉवल को डाल दिया, वेर इट मेड अ सॉफ्ट डैम प्लॉप लाइक अ लिम दैट डेड बर्ड थ्रोन डाउन, वो जो टॉवल था जैसे उसने फेंका तो वो ऐसे लगा जैसे कोई मरा हुआ जानवर नीचे जमीन पे गिरा हो और एक आवाज आती, प्लॉप प्लॉप मतलब कोई भी चीज नीचे गिरती तो हल्की सी आवाज आती है उसको प्लॉप बोलते, तो इस तरह से उसने उसको नीचे गिरा दिया, किसने, गौतमा ने। आप देखोगे कि माया उसकी हर एक चीज को यहाँ पे हाईलाइट करती है जिससे कि हमें गौतमा की लाइफस्टाइल, उसका कैरेक्टर, उसकी लिविंग के बारे में पता चलता है ना, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम माया, क्योंकि वो अपनी बातों से अपने बारे में बताती है, शी इज वेरी सॉफ्ट, और कह सकते हो कि बहुत डेलिकेट वे में चीजें करती है। हेल्प आई सेड, मैंने कहा आई नीड हेल्प, एंड देन दैट टू कोलैप्स अपॉन द फ्लोर विद द टॉवल, तो वो भी वहां बैठ गया और पूछता है, हेल्प व्हाट, हुम एंड हाउ, किसकी, कैसे, कुछ तो बताओ, हाउ टू एक्सप्लेन टू वॉर्न, अ फ्लॉक ऑफ प्रॉब्लम अरोज, बहुत सारी मुश्किलें हैं, डार्क बर्ड्स राइजिंग फ्रॉम एमनेस ट्रीज, ना, विदाउट नोइंग वॉट ही हैड डन, गौतमा हैड लेड हिज एंगर एंड फोर्स माइंड अपॉन द फैटल वल्नरेबिलिटी ऑफ वॉट आई हैड बिलीव इन लाइक अ पॉन, बिना मेरी प्रॉब्लम को जाने, है ना,
विदाउट नोइंग कि मैं सॉरी विदाउट नोइंग व्हाट ही हैड डन, उसको नहीं पता कि उसने क्या किया है ना, तो और फिर भी वो अपना एंगर जो है ना, क्योंकि वो भी चिड़चिड़ा सा हो गया इससे, तो जब पूछा कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है, किसकी हेल्प क्यों एंड ऑल, तो इस तरह से बात कर रहा था, फोर्स माइंड उसने अपने एंगर को मेरे एंगर के ऊपर फोर्स किया, यानी कि उसका गुस्सा मुझसे ज्यादा, जबकि मैं चिड़चिड़ी हो रही थी, अपॉन द फैटल वल्नरेबिलिटी। मुझे लगा कि ये तो बेकार की ही, उसको वो इनसिक्योर फील कर रहा है, ऑफ व्हाट आई हैड बिलीव्ड इन लाइक अ फॉन्डफुल, जो कि मैंने उसके ऊपर बिलीव किया। क्या बिलीव किया मतलब, यहाँ पे आप सेंस समझोगे कि वो सोच रही कि मैं इसको हेल्प मांग रही हूँ कि मुझे मेरे फादर से मिलना चाहिए, या मुझे मुझे अब कोई कंसोल करे, या कोई मेरी बात सुने, ये उस पे तो नहीं जाके बोल रहा कि क्या हो गया, किस बात पे, किसको चाहिए, क्यों हेल्प चाहिए, और खुद ही एंगर शो कर रहा है। तो ये उल्टा हो गया ना, माई फादर विद हिज क्वाइट वर्ड। अब वो फिर से अपने पापा को कंपेयर करके बोलती कि मेरे फादर होते ना, यदि मैं ऐसा बोलती तो अपनी शांत शब्दों में वुड हैव डन नथिंग टू अले माई फियर, वो मेरे इस डर को दूर करने के लिए इस तरह से नहीं करते, और डिस्पेल माई कन्विक्शन है ना, इस तरह से डर को दूर करने के लिए, या फिर मेरे जो मेरा जो इस चीज पे यकीन है कि मैं किस चीज से गुजर रही हूँ, या मेरे जो थॉट्स हैं उनको दूर करने के लिए वो इस तरह से बिहेव नहीं करते, बट मेयरली अंडरलाइन देयर पावर बाय आस्किंग मी। और क्या करते, उनकी जो पावर है यानी उनका जो तरीका है, उस तरीके से मुझे पूछते, हाउ एवर सैडली टू एक्सेप्ट, है ना, जो कि बहुत सैड है एक्सेप्ट करना, फॉर इट मस्ट बी सो इन हिज वर्ड, जो कि इस तरह से होता, इट मस्ट बी सो इफ ही सॉ डिजास्टर, ही सॉ इट एज बीइंग इनएविटेबल। तो वो मुझे बताते कि देखो ऐसा हुआ होगा, वैसा होगा, यानी कि वो मुझे कंसोल करते हैं इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्यों क्या एंड नॉट, एंड इफ ही सॉ रिबेलियन, यदि उनको दिखता है कि मैं कोई विद्रोह कर रही हूँ, ही सॉ इट एज बीइंग होपलेस, तो वो इसको होपलेस समझते, यानी मेरे फादर, और वो लाइक अलग बिहेव करते हैं, हेंस ऑल द टेंडरनेस इन हिज वॉइस व्हेन ही सेड टू मी कम नाउ वी मस्ट नॉट फ्रेट। और उनकी जो सारी की सारी टेंडरनेस है, यानी कि उनकी सॉफ्टनेस उनकी आवाज में आती है, और वो मुझे क्या कहते हैं, इधर आओ, हमें डरना नहीं चाहिए, यानी व्हेन आई एम सेइंग दैट आई एम अफ्रेड और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे कंसोल करते, समझाते, और ये कहते कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। उसी के बदले यदि यहाँ पे गौतमा को देखें तो ये तो मुझसे इस तरह से बात कर रहा है, तो वो एवरी टाइम वेन एवर शी फील्स कि गौतमा इज नॉट ओके, लाइक वो उसकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, तो उसको अपने फादर याद आ जाता। ओके, इफ इट मस्ट बी सो, और यदि ऐसा हुआ होता, वी मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट, तो कहते हैं कि ऐसा हुआ भी है तो हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, दिस माइट हैव क्वेल्ड फियर्स ऑफ द डार्क, और इससे क्या होता कि जो अंधेरे का जो डर है वो शांत हो जाता, क्वेल्ड मतलब शांत हो जाता, ऑफ बॉगी मैन, ऑफ अनसिम्पेथेटिक स्कूल टीचर्स, है ना, किसी भी चीज का डर हो, बॉगी बॉगी मैन का, बॉगी मैन क्या होते हैं, जो कि बेसिकली ढोंगी लोग है ना, उनका, अनसिम्पेथेटिक स्कूल टीचर्स, बट फेस्ड बाय दिस ग्रेट न्यू डेंजर ही वुड हैव थ्रोन ऑफ नो वे ऑफ एलिवेटिंग और डिसमिसिंग इट, तो वो किसी भी वे में इस चीज को नकारते नहीं कि हाँ तुम डर रहे हो, बल्कि वो मुझे कंसोल करते और कहते कि जो हुआ सो हुआ, तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, ही माइट इवन, आई एडमिटेड नाउ, मैं अब बताती हूँ तुम्हें, वो मुझे ये भी कहते बी अनविलिंग टू डू सो फॉर ही वॉज, कि वो नहीं चाहते हुए मुझे कहते हैं, आफ्टर ऑल अ फैटलिस्ट अ बॉर्न वन, एंड फैटलिस्ट गेव द रेजिग्नेशन टू हिज साय एंड द जेंटलनेस टू हिज वॉइस। क्यों है मेरे फादर के अंदर जेंटलनेस, क्योंकि वो एक फैटलिस्ट है, अ फैटलिस्ट कौन होता है, जो भाग्यशाली होता है, जिसके पास सब कुछ होता है, अ बॉर्न वन,
और जो पैदाइश ही एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, तो फैटलिज्म होने की वजह से वो उनकी वॉइस में जेंटलनेस हो, ये सब सोच रही वो अपने फादर के बारे में। डिपिंग इज लॉन्ग फिंगर्स इन अ सिल्वर बाउंड बाउल, मतलब उसके फादर शेकिंग द ड्रॉप्स फ्रॉम द लाइक लास्ट ईयर्स, जो ड्रॉप्स हैं उसमें से टिप्स लाइक लास्ट, अपने लाइक वो एक पिक्चर बता रही जिसमें वो सिल्वर बाउल में अपने हैंड वॉश कर रहे हैं। शेकिंग द ड्रॉप्स फ्रॉम द टिप्स लाइक लास्ट ईयर्स, वाइपिंग देम ड्राई ऑन अ क्लीन क्लोथ, उनको एक साफ कपड़े से हाथों को पोंछते हुए, ही वुड नोड अ लिटिल सैडली, वो थोड़ा सैड होके कहते, येट स्माइलिंग एट हिज डिसहेबल्ड डॉटर, फिर भी अपनी डॉटर की तरफ जो कि उलझी हुई है परेशान है उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहते, क्या कहते, वो कहते कि यू विल लर्न वन डे, तुम एक दिन सीख जाओगी माया, दैट दीज थिंग्स यू मस्ट पुट अप विथ, कि तुम्हें इन चीजों से कैसे डील करना चाहिए ये तुम सीख जाओगी, ऐसा वो अपने बेटी से कहते। कब, जब वो इस तरह से सिल्वर बाउल में अपनी फिंगर्स को डिप कर रहे हैं, नहीं हाथ धो रहे हैं साफ कर, वन कैन डू नथिंग अबाउट देम, व्हाई नॉट एक्सेप्ट, जब हम किसी चीज के बारे में कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो हम उन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हैं, ऐसा वो कहते हैं। मेरे फादर कहते, व्हेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डेथ, हाउ फादर, पर क्या जब कोई क्वेश्चन ऑफ डेथ हो तब कैसे एक्सेप्ट कर लें एज इट इज, तो वो ये चीज भी अपने फादर से पूछती है। एंड देन ही डिड नॉट हियर फॉर ही वॉज लिफ्टिंग अ पैन आउट ऑफ स्मॉल ट्रे, वो उस चीज को नहीं सुनते क्योंकि वो एक स्मॉल ट्रे में से जो पैन है उसको बाहर निकाल रहे हैं, डेफली रिमूविंग द लॉन्ग क्लॉव, उसके अंदर से जो क्लॉव है ना उसको रिमूव कर रहे हैं, दैट हेल्ड द लीफ पिन इन टू इट्स टाइट कोन, एक कोन के ऊपर जो लॉन्ग होती है ना उससे वो पैक किया हुआ है, उसको खोलते हुए उसने आराम से, मतलब वो फादर क्या कर रहे हैं वो भी दिखा रही है, और मतलब उसको क्या इमेजिनेशन हो रहा है कि इस सिचुएशन में मेरे फादर मुझे कैसे कंसोल करते, कैसे मेरी बात सुनते। अनऑब्ट्रूसिवली पैकिंग इन इट इट इन टू हिज माउथ, और फिर उसको अब बिना सोचे समझे अपने मुंह में रख लेते, सो दैट द सिल्वर फॉइल डिड नॉट इवन टच हिज लिप्स, तो इट मे बी अबाउट पान, है ना, ताकि वो जो सिल्वर फॉइल है वो उसके माउथ को टच, लिप्स को टच नहीं करेगी, टच करेंगे तो लिप्स पे लग जाएंगे। हाफ क्लोजिंग हिज आइज, और अपनी आंखों को आधी बंद करते हुए ही सेड, हाफ इन अ ड्रीम, आधा अपनी ड्रीम में, द सोर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज द ह्यूमन बींग्स वैनिटी इन हिज पावर टू एक्ट, ये लाइन किसने कही, माया के फादर, क्या कि द सोर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन यानी कि डिसइंटीग्रेशन यानी कि किसी भी चीज के टूटने का या अलग होने का, है ना, इज द ह्यूमन बींग्स वैनिटी इन हिज पावर टू एक्ट, ह्यूमन बींग की जो वैनिटी है, ह्यूमन बींग का तरीका है उस चीज या उसकी पावर है कि वो किसी भी प्रॉब्लम से कैसे डील करता है, ठीक है, यदि वो उससे उसी प्रॉब्लम से सही से डील नहीं करता है तो डिसइंटीग्रेशन हो जाता है ना, तो वो यहाँ पे ये कोट अपने बेटी को समझाता है, नॉट रियलाइजिंग द फ्यूटिलिटी ऑफ हिज रिबेलियन, ही स्टीयर्स हिमसेल्फ फर्दर एंड फर्दर आउट ऑफ द ऑर्बिट इन विच ही वॉज बॉर्न टू एक्ट एंड डिस्ट्रॉयज हिमसेल्फ, फिर नॉट रियलाइजिंग द फ्यूटिलिटी, मतलब यदि कोई इस तरह से रिबेलियन करता है, विद्रोह करता है या लड़ता है, ही स्टीयर्स हिमसेल्फ फर्दर, वो उसमें अपने आप को और घुसा देता है, और फिर उसके बाद उस एक ही चक्र में घूमता रहता है, विच ही वॉज बॉर्न टू एक्ट एंड डिस्ट्रॉयज हिमसेल्फ, है ना, और खुद को बर्बाद कर लेता है, तो ऐसे उसके फादर उसको समझाया करते थे, है ना, जिसका वो बोल रही है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, दैट इज बॉर्न ऑफ द वेस्टर्न थियोरी ओके ऑफ लाइफ, नॉट एन एशियन वन, वेस्टर्न थियोरी ऑफ लाइफ, सॉरी, वेस्टर्न थियोरी ऑफ लाइफ कहती है कि जो दुनिया है वो डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है ना, आपको कोई ना कोई परेशान करता ही रहेगा, है ना, वी हैव बीन टॉट फॉर जनरेशन, हमें पीढ़ियों से सिखाया गया है टू बिलीव दैट द मेरिट ऑफ एक्सेप्टिंग वंस लिमिटेशन, कि हमें अपनी
जो लिमिटेशंस हैं उनको एक्सेप्ट करने की के जो फायदे हैं, है ना, एंड एक्टिंग विद इन देम, और उन लिमिटेशन के अंदर ही काम करने का जो तरीका है इज ग्रेटर, वो महान है देन दैट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देम, जिस किससे कि उन उन लिमिटेशंस को डिस्ट्रॉय कर दो और उन लिमिटेशन के बाहर जाके काम करना। तो उसके फादर इस तरह से उसको समझाते हैं कि देखो हम पीढ़ियों से ये सीख रहे हैं कि जितनी तुम्हारी लिमिट हो उस लिमिट के अंदर ही तुम काम करो, उसे बाहर मत जाओ, यदि तुम उसे बाहर जाओगे तो तुम अपने आप को खत्म कर दोगे, डिस्ट्रॉय कर दो। वन मस्ट, एंड ही ड्रॉप हिज वॉइस, क्या एक्सेप्ट, वन मस्ट एक्सेप्ट, ये उसके फादर, एक इंसान को चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो तुम्हें भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये तुम्हारी फैमिली है, ये गौतमा ऐसा ही है, नॉल एंड जो हो गया सो हो गया, डॉग नहीं है, वट एवर। तो यहाँ पे वो खुद ही अपने फादर की कि वो चाहती है कि कोई ना कोई मुझे ये सारी चीजें समझाए। अब कोई पहले उसके फादर समझाते थे, अब वो चाहती है कि गौतम उसको समझाए, लेकिन गौतम इज वेरी डिफरेंट, वो थोड़ा अलग तरीके का कह सकते हो ओवर मेच्योर पर्सनैलिटी है, तो उसको नहीं लगता कि ये सही है या जरूरी है कि वो उससे कुछ डिस्कस करें इन सब चीजों के बारे में, और उसको उसकी हरकतें यानी जो भी जितना वो डीप सोचती थी वो इतना वो उसको मैटर नहीं करता था, एंड दैट वाज वेरी पेनफुल फॉर माया, एंड इन दैट केस वो यहाँ पे मिस करती अपने फादर को, जो कि उसकी जगह होते तो कहते कि बेटा जो है सो है, इसको एक्सेप्ट करो। सो वी हैव कवर्ड अप टू पेज नंबर 47, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो लेट्स स्टार्ट विद अनदर। ओके, गुड बाय।